दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं फ़ोन पे, वो भी खुद से, और उसे सेव भी कर सकते हैं और बाद में जाके उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारी चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगा एकदम विस्तार से, ताकि आपको सारी चीज़ एकदम अच्छे समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते हो। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आपको फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में आ जाना है। और जो यहाँ पे सर्च बार है, उसमें आपको अगर आप बिहार बोर्ड का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं 2020 का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लोग बाहर जा नहीं सकते, तो सबको अपना रिजल्ट जानना है, सबको अपना रिजल्ट सेव करना है, तो आप घर बैठे से देख सकते हैं अपना रिजल्ट, और आप उसे सेव भी कर सकते हो, आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है किसी भी ब्राउज़र के, उसके बाद आपको वहाँ पे सर्च बार में लिखना है ऑनलाइन, onlinee ऑनलाइन, bseb.in। आपको इतना लिख के यहाँ पे गो है, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। इसके बाद देखिए, आपके सामने पेज आ गया। इसमें बस आपको सिंपल रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, और जो नीचे कैप्चा आपको दिख रहा है 16+15, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको डालना है। जो नहीं कि ये सेम ही, अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, रोल कोड मान लीजिए कि 53066, और रोल नंबर हम करें तो 2001024। ये चीज़ हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करके करना है, तो ये हो जाएगा 31। ये सब में अलग अलग आते हैं, जो नहीं कि सब में एक ही है। उसके बाद अब व्यू पे आप क्लिक कर दें, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक सेकंड में नहीं लगी, ये पूरी रिजल्ट खुल गई है उत्कर्ष कुमार के नाम से, और इसमें अब देख सकते हैं यही आपका रिजल्ट है। देखो, अब जो दूसरी चीज़ आती है कि आप इसे कैसे प्रिंट करेंगे या फिर आप इसे कैसे सेव करेंगे। अपने ओपन अपना रिजल्ट देखना तो देख लिया, एकदम ईजी है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको इसको सेव करना है या फिर प्रिंट करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर टच करना है। आप इस पर टच करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे टच करना है। आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर आपके पास होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आप इसे सेव एज PDF पे कर लीजिए। आप यहाँ पे सेव एज PDF पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कलर का बटन टाइप आ गया, तो आपको इस पर टच करना है। उसके बाद आप जहाँ भी क्रिएट फोल्डर, मान लीजिए कि हम यहाँ पे रिजल्ट लिख के कर देते हैं रिजल्ट, उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट करके इसमें आप डन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको वहाँ पे रिजल्ट आपका मिल गया होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो PDF सेव किया वो कहाँ है। सबसे पहले आप माई फाइल्स पर आइए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सबसे पहला होगा ना इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, प्रिंट PDF आपने जो सेव किया था वो यहाँ पे आ गया, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे जूम आउट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे उत्कर्ष देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आपका सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा, या फिर आपको मान लीजिए कि कहीं और हेल्प है तो आप चेक करेंगे तो आपका उसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एकदम सिंपल सा तरीका सा था, जिससे आप किसी भी बोर्ड का घर बैठे रिजल्ट देख सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं PDF में, या फिर उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में करके बताइए कि आपके बिहार बोर्ड में या फिर अगर आपके घर में किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके कितने नंबर आए हैं और उनके कितने परसेंटेज है। आप सभी ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही यूजफुल वीडियोस लेते आते रहते, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।